नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूँ सोशल मीडिया पर वायरल खबरों के शो के साथ, जिसका नाम है आज क्या है वायरल। भाई सोशल मीडिया पर वायरल है अन्ना जानवर। दरअसल जानवरों के कई सारे वीडियो जो है वो उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से सोशल मीडिया पर वायरल है, और वहीं दूसरी ओर जो है बाइकर्स का। दरअसल एक बाइक पर संतुष्टि नहीं मिली तो चार, पांच, छह, और छह के छह वीडियो पर देख सकते हैं आप कि किस तरह से मुस्कुरा भी रहे कैमरा देखकर, और उन्हें कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं कि आगे अगर गिर गए तो बत्तीसी जो दिखा रहे हैं भैया सारी की सारी चली जाएगी। लेकिन कोई बात नहीं, वीडियो वायरल है। इस वीडियो को टैग करके लिखा गया कि बरेली में एक बाइक पर छह और दो बाइकों पर चार चार युवकों का जानलेवा मस्ती करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ये मामला बरेली नैनीताल हाईवे का मामला है। इसके अलावा लोग लिखते थे कि खुद की जान की परवाह खुद को करनी होती है, मगर इन्हें तफरी सूझ रही है। बरेली में तीन बाइक पर 14 लड़कों का स्टंट करते हुए ये वीडियो वायरल है। अरे हमारी फोर व्हीलर व्हीलर बेकार है यार, तुम्हारे ये टू व्हीलर के आगे क्या नैनीताल जा रहे हो भाई साहब? अब सोशल मीडिया पर जब ये वीडियो तेजी से वायरल हुआ तो लोगों ने इसकी खूब चर्चा की कि बताइए भैया इन्हें डर भी नहीं है। अब इस वीडियो का संज्ञान लेते हुए बरेली पुलिस ने फौरन मामले का जो है पूरा विस्तार से केस बताया। उन्होंने लिखा कि संदर्भित प्रकरण में यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर वाहनों के MV एक्ट के तहत चालान किए गए हैं। तो भैया यहाँ पर जो बत्तीसी दिखाते हुए स्टंट चल रहा था उसका जो है बरेली पुलिस ने स्टंट पर चालान भेज दिया है, तो भैया चालान जो है उनके घर पहुंच गया और ये मामला जो है काफी ज्यादा चर्चा में था। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। भाई आवारा पशुओं से जो है गांव देहात के किसान बड़े परेशान हैं। एक तो वैसे ही किसानी में काफी ज्यादा लाभ हुआ नहीं, और ऊपर से अन्ना जानवर जो है अपनी जो फसल है उसको जो है बर्बाद करने को पहुंच जाते हैं। अब सभी अन्ना जानवर जो है अलग अलग जिलों के वीडियो जो है आप देख सकते हैं किस तरह से सोशल मीडिया पर वायरल है, और तमाम लोग जो है इसे वायरल करते हुए लिख रहे हैं। अमरोहा में किसानों ने आवारा पशुओं को हाक कर सरकारी स्कूल पहुंचा दिया। 16 किसानों पर FIR दर्ज हुई है। आवारा पशुओं की समस्या पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो स्थिति दिनों दिन विकराल हो जाएगी। तो भैया यहाँ पर जिस तरह से आपने देखा कि जो अन्ना जानवर है उन्हें किसान लेकर जो है सरकारी विभागों में पहुंच गए, चाहे वो स्कूल हो या फिर प्रशासनिक बिल्डिंग हो। अब इन्होंने किसानों ने ये शुरू कर दिया है कि अब अगर सरकार नहीं सुनेगी तो हम खुद ही जो है अन्ना जानवर लेकर पहुंच जाएंगे उनके कार्यालय में। जैसे यहाँ पर किसान जो है वो एक सरकारी स्कूल में पहुंच रहे जिन पर मामला भी दर्ज हुआ। इसके अलावा कुछ लोग लिखते दिखे कि हापुड़ में तो आवारा पशुओं को किसानों ने ब्लॉक परिसर में बांध दिया। तो जैसा कि हमने पहले बताया था कि यहाँ के जो किसान है वो काफी ज्यादा परेशान थे कि सरकार उनकी बात सुन नहीं रही है, तो इसीलिए किसानों ने खुद जो है अन्ना जानवर को पकड़कर प्रशासनिक बिल्डिंग जितनी है वहां पर पहुंचा रहे हैं और बांध रहे हैं वहीं पे। इसके अलावा लोग लिखते थे कि सभी गांव के यही हालात है, गाय के साथ इससे ज्यादा बुरा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर अलग अलग वीडियो जो है वो तमाम जिलों से सोशल मीडिया पर है, जहाँ पर लोग जो है दिखा रहे हैं किस तरह से कितनी बड़ी तादाद में अन्ना जानवर जो है इस ठंड के कड़कड़ाते मौसम में घूम रहे हैं, और किसानों को बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि रात भर उन्हें जो है अपने फसलों के पास रहकर पहरा देना पड़ता है। इसके अलावा राजनीतिक पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने भी ट्वीट कर लिखा कि यूपी में नहीं थम रहा आवारा पशुओं का उत्पात, किसान परेशान, संभल में किसानों ने त्रस्त होकर बदायूं मेरठ हाईवे पर आवारा पशुओं को कर दिया इकट्ठा। अब तो आंखें खोले बेशरम सरकार, योगी सरकार को सच दिखाने के लिए किसानों को खुद ही ये कदम उठाना पड़ा। आवारा पशुओं की समस्या का
कब होगा समाधान। तो जिस तरह से किसान यहाँ परेशान है, सरकार को कहीं ना कहीं इस पर ठोस कदम उठाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि सोशल मीडिया पर इस तरह के वीडियो से पूरा मामला जो है पटा पड़ा है। तो भैया इसी के साथ खत्म होता है आज के वाले खबरों का हिसाब किताब। जाते जाते सुनिए कि अब यूपी से जुड़े तमाम अपडेट्स आपको यूपी तक की वेबसाइट में मिलेंगे, और तमाम ऐसे वीडियोज देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।